हमारे ब्लॉक के प्रथम व्यक्ति के रूप में ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि के तौर पर मैं भुवन चंद पाटिल जी से निवेदन करूंगा, कृपया आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सह स्वीकार करते हुए अपना आसन ग्रहण करेंगे। श्री भुवन पाटिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल के विद्यार्थियों को इसलिए निवेदन किया गया, हम लोग का बुढ़े हो गए, हमको पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण चाहिए। आप लोगों के अंदर सब गुरुजनों ने शिकार कहा, जहाँ उस महफिल में वो महफिली क्या जिसमें ताली न हो, वो ससुरवाली क्या हो जिसमें साली नहीं हो, कहते हैं मित्रों। आप लोगों को बताने का तो तालियों की गड़गड़ाहट करते नहीं है। विजय राणा, आपके आप लोगों को हमने इसलिए बुलाया, फिर इससे आपसे निवेदन करना पड़ा कि आप लोग इससे प्रेरणा लोगे, क्योंकि हम लोगों ने तो जिंदगी खपा दी आपने। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस बारामंडल क्षेत्र से 3 बार विजय हुए, हमारे बीच हर कार्यक्रम में आ जाते हैं, इतना हमारे कोनी घोड़ाचार दौड़नियार घोड़ाचार काठन में दौड़ गए कोनी लोग, ऐसे हमारे धावक के रूप में युवा सम्राट हमारे माननीय जनप्रिय विधायक मनोज तिवारी जी से निवेदन करूंगा, आप भी मंच पर आज एकत्र हुए हैं। मैं हमारे क्षेत्र के ओजस्वी, मैंने अभी जिक्र कर रहा था, इस क्षेत्र में नौगांव ग्राम सभा एक ऐसी ग्राम सभा है जिनकी राजधानी कलारी से हुआ करती थी पिछले लोगों की, मैं आपको मंच पर सादर साहब की ओर से रेज योर हैंड, दोनों हाथों की ताली बजाएंगे। हमारे ब्लॉक से क्योंकि मर्यादा ही होती है, यह कार्यक्रम किसी पार्टी का नहीं है, यह कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम है, सभी का कार्यक्रम है। मैं निवेदन करूंगा हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री पूरन सिंह छुपियाल जी को, कृपया मंच में आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊँ, मैं हमारे नौगांव के उसी ग्राम सभा के हमारे नौगांव के ये हैं गोपाल राम जी से निवेदन करूंगा, आप भी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर मुझे संचालन में मदद करेंगे। बड़े सौभाग्य का विषय भी है और अवसर भी है और दिन भी है कि आज अपने इस अल्मोड़ा जिले के जो रीठागाड़ पट्टी क्षेत्र है, उसका जो दूरस्थ क्षेत्र है कनारी छीना, वहाँ के अर्जुन सिंह के मध्यम परिवार के व्यक्ति, उनके परिवार के सुपुत्र विजय राणा, जिन्होंने अभी हाल ही में हल्द्वानी में CWE हैवी वेट चैम्पियनशिप जीती है, और उनके गृह आगमन पर जो यहाँ पर स्वागत हो रहा है, इस स्वागत कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि भी कहूँगा, जिन्होंने हम सबको गौरवान्वित होने का भी अवसर दिया है, आप सभी को सादर नमस्कार। विकासखंड भैंसाचाना के इस सभागार में हमारे क्षेत्र के जुझारू एवं युवा, हम सबके प्रेरणा स्रोत विजय राणा जी के सम्मान समारोह में सभी लोगों की ओर से हमारे सब लोग आए हैं, जो आप या हमारे ब्लॉगर भी हैं, ये एक माला सारे लोगों की तरफ से, ये हमारी ऊपर भगवती माँ हेमलकोट भोला भैया हमारे इष्टदेव और श्राद्ध पक्ष की आप लोगों को बधाई देना मैं भूल गया था, हमारे सारे पितरों की ओर से, और उनका आशीर्वाद रहे, ये फले फूले बहुत ऊंचाइयों के साथ हमारा नाम, हमारे क्षेत्र का नाम फिर रोशन करें, उनके उसके बाद ये क्षेत्र अगर चेत जाएगा तो इनको हम अगर डबल कम पड़ा कुछ डॉलर ले आओ धोजे मार्केट में मस्त चांदी रेट गाड़ी मिल जाएगी जो उसे। और मैं गोपाल दास से निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं आज शराधी की वजह से बीपी की दवाई कल हबीक था नहीं खाई, आज शराधी के चक्कर में भी खाना भूल गया, तो मुझे पानी दे दीजिएगा, लेकिन मैं गोली लाया भी नहीं हूँ, मेरे ब्लड प्रेशर चढ़ चल बवाल है जा, तो मैं निवेदन करता हूँ मानी विधायक जी, पानी जरा मंगा दिया प्लीज, मैं विधायक जी से निवेदन करता हूँ, पूछ लो इनसे, मैं विधायक जी से करवा तो निवेदन करता हूँ, और एक बार यू रेज योर हैंड फॉर द वेलकम ऑफ हमारे।
आप सभी लोगों की। अनुभव मुझे भी नहीं है, राजनीति में मैं ज़्यादा कम ही रहता हूँ। एक तो मैं आध्यात्म से जुड़ा हूँ तो मैं ज़्यादा आध्यात्म में ही रहता हूँ, मुझे ज़्यादा इससे हुआ नहीं रहता है। फिर भी मैंने सोचा मतलब जो हमारे क्षेत्र का अगर एक युवा अच्छी जो उसने प्रतियोगिता में अपनी जीत हासिल कर रखी है तो उसका कम से कम 10 आदमी के साथ परिचय हो जाए, हमारे बच्चे भी उनसे प्रेरणा लें, ये मेरा मेन उद्देश्य था। हमारे विजय राणा जी की दादी जी को बहुत विशेष धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे विधायक जी उनका भी स्वागत एक माला से या उससे करें, क्योंकि हमारे सबसे बुजुर्ग इनके दादी जी हैं। धन्यवाद आप सभी का, आप यहाँ आए। आप मेरे को जानते नहीं होंगे, बता दूँ मैं विजय सिंह राणा, इंडियन प्रोफेशनल रेसलर। मैंने हाल ही में चैम्पियनशिप जीती है, तो आपको भी मेहनत करनी है, इस पर हार नहीं मानना, करते रहना है, खेल कूद में आगे लेके जाना है कि कभी बीमार नहीं पड़ना, सुबह खेलना है, शाम को मोबाइल से थोड़ी दूरी, नशे से दूरी, वैसे जिम से करना है, जिम से करना, हार नहीं माननी है। 10 लोग गाली करेंगे, कान बंद करने हैं, कोई भी तुम्हारे माँ बाप भी गाली देंगे, नहीं सुननी भाई, जो सोचा है करना है, खेल करना है सुबह शाम, कहीं नशे में नहीं, बीड़ी सिगरेट ये बहुत, खेल को आगे ले जाना, आज मैं लेके आऊँ कल आपने आना है, इसलिए यही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलना, बोर हो रहे हो आप समझ में, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी फिलहाल दोस्तों यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है, ठीक है, और बाकी यहाँ पर आप देखिए GIC स्कूल के सभी बच्चे, ठीक है, और अभी यहाँ पर हम फोटो खींच रहे हैं, पीछे आप देखिए विजय दा को, जितने भी यहाँ पर इलाके के लोग हैं, स्कूल के बच्चे हैं, सभी के सभी हम साथ में फोटो खींच रहे हैं। Thank you.